नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं जी और एम फंक्शन के बारे में। इस वीडियो को समझने के लिए आपको जो है हमारी VMC NHMC प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 17 से आगे के जो पेजेस हैं उनको ओपन करके रखना है और वहाँ पर जो है आप स्टेप बाई स्टेप जो डेटा दिया हुआ है उसको टैली करते हुए समझना है। सबसे पहले बात करते हैं कितने टाइप के कोड हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के लिए। तो देखिए, जो मशीन होती है उसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग करनी है फानो कंट्रोल के अंदर, तो हम दो टाइप के फंक्शंस यूज़ करते हैं। एक होता है जी कोड, दूसरा होता है एम कोड। अब जी कोड को समझ लेते हैं। जी कोड का जो दूसरा नाम है वो है RS-274D। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है RS-274D को, तो ये जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि कैसे जो है हमारा पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब बात करते हैं एम कोड की। तो एम कोड को हम कहते हैं मिसलेनियस फंक्शन, ठीक है, जो मशीन कोड्स भी कहलाते हैं और इनका यूज़ जो है डायरेक्टली हमारी मशीन के ऑपरेशन को डायरेक्ट ऑपरेट करने के लिए होता है। जैसे कि अगर हमें कूलेंट ऑन करना है या फिर कूलेंट बंद करना है, चक ओपन करना है, चक क्लोज करना है, चक को रोटेट करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो फंक्शन होते हैं जिसका डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में कटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है वो हमारे एम कोड कहलाते हैं। जी कोड वो कोड्स होते हैं जिनकी मदद से हम जो है पैरामीटर सेट करते हैं और मशीन के अंदर कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जितनी भी कटिंग होगी वो हमारे जी कोड या जी फंक्शन से ही होगी। अब ये तो होगी टेक्निकल बात, अब बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि कैसे हमको इसको समझना है। तो जी कोड जो है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मॉडल कोड्स, दूसरे होते हैं नॉन मॉडल कोड्स। अब मॉडल और नॉन मॉडल कोड ये दो अलग अलग टाइप की कैटेगरी हैं। इन दोनों कैटेगरी को समझने के लिए मैं आपको जो है एग्जांपल समझाऊंगा। पहले मैं जो आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा, उस चार्ट को समझना है, उस चार्ट का आपको यूज़ कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको कुछ रूल्स के साथ समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं टेबल। ठीक है, बुक के पेज नंबर 18-19 पर जाकर आप जो है देख लेना, वहां पर आपको जो है इस टाइप की एक टेबल दी होगी। ठीक है, इसमें जो है आपको कोड्स दिए हुए हैं, उनके काम दिए हुए, उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। अब यहां पर देखिए, ये जी कोड की एक लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। हालांकि आप सारी की सारी लिस्ट याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है धीरे धीरे याद हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि इनके जो फंक्शंस हैं उनको याद कर लीजिएगा ताकि आगे जो है आपको आसानी हो जाएगी प्रोग्राम में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप, ये ग्रुप दिया हुआ है 01, 00, 17, 02, 06। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको बहुत सारे प्रोग्रामर जो है नहीं समझते हैं और डायरेक्ट जो है प्रोग्रामिंग याद कर लेते हैं। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो एक रूल है वो इस ग्रुप पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखिए 01 दिया हुआ, ये ग्रुप नंबर है। इस 01 ग्रुप के अंदर जो है आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, ये चार कोड दिए हुए हैं। इन चार कोड के ऊपर ही पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग डिपेंड करेगी। हर प्रोग्राम के अंदर जो है इस टाइप के कोड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए 00 कोड, ये जो कोड है ये नॉन मॉडल कोड है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये 00 जो ग्रुप है ये हमारा नॉन मॉडल कोड कहलाता है। अब मॉडल और नॉन मॉडल को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये दिया हुआ आपका 01 कोड, ये आपका मॉडल कोड है, ये आपका नॉन मॉडल कोड है। अब इसको समझने के लिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। मॉडल क्या है? मॉडल कोड वो कोड होता है जिसको अगर आपने एक बार यूज़ किया, एक बार अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो वो पूरे प्रोग्राम में तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि उसको उसी ग्रुप के किसी दूसरे कोड के साथ रिप्लेस ना किया जाए या फिर कैंसिल ना किया जाए। रिप्लेस करने का मतलब है, अगर आपने जैसे कि ये 01 जो है मॉडल कोड है, इसको अगर आपने G00 को यूज़ किया तो ये G00 तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि आप इसमें से कोई दूसरा कोड यूज़ नहीं कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने सबसे पहले G00 कोड का यूज़ किया, उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट ब्लॉक में G01 कोड यूज़ कर दिया, तो अब G00 एक्टिव ना रह करके G01 एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हालांकि
एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा भी और वहां पर बताऊंगा भी, लेकिन आप अभी ये याद कर लीजिए कि G00, G01, G02 इनमें से कोई भी सिर्फ एक कोड आपको एक ब्लॉक में यूज करना है। याद रखिएगा ये भी एक रूल है, इस रूल को आप जो है बुक के अंदर देख लीजिएगा, उसमें अंदर मैंने पूरा का पूरा एक रूल चार्ट बनाया हुआ है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कौन सा कोड हमको कब यूज़ करना है और कौन सा अलार्म आ सकता है। यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखिए कि एक ही कोड, एक ग्रुप का एक ही कोड आपको एक ब्लॉक में यूज़ करना है। ऐसा मत करिएगा कि आप जो है एक ही ब्लॉक के अंदर दो कोड यूज़ कर दें, जैसे कि G00 और G01 दोनों ही कोड अगर आपने एक ही ब्लॉक में लिख दिए तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, वहां पर अलार्म आएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझना जरूरी है, इसलिए जो लिस्ट दी हुई है बुक के अंदर उस लिस्ट के अंदर जो रूल्स दिए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है प्रोग्राम बनाने से पहले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नॉन मॉडल कोड। नॉन मॉडल कोड क्या कहते हैं? नॉन मॉडल कोड वो कोड होते हैं जो वन शॉट जी कोड कहलाते हैं। वन शॉट जी कोड का मतलब है कि एक बार ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र, अगर आपको एक बार ब्रह्मास्त्र मिल जाता है तो वो आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसी तरह से ये नॉन मॉडल कोड है, इनको भी आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर, और ये तब तक ही एक्टिव रहेंगे जब तक आपने जो है इसको यूज किया। जैसे कि एक ब्लॉक नंबर वन में आपने अगर कोई भी कोड यूज किया इसका, तो वो एक बार यूज हो जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉक में वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ब्लॉक मैंने आपको बताया हुआ है, सीक्वेंस नंबर आपको बताया हुआ है, इसीलिए मैंने जो है आपको बेसिक टर्म्स आपको पहले समझाई दी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके एग्जांपल मैं आपको जो है आगे समझाऊंगा कि कैसे आप जो है इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 00 कोड आप याद कर लीजिए, ये नॉन मॉडल कोड है, ये 01 कोड जो है आपका मॉडल कोड है। उसके बाद देखिए यहां पर जो है कैंड साइकिल 09 ग्रुप जो है, ये देखिए 09 ग्रुप जो दिया हुआ है G73 से लेकर G89 तक, ये जो है हमारी कैंड साइकिल ग्रुप है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना जरूरी है। जैसे 01 ग्रुप और 00 ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से जो है 09 ग्रुप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैंड साइकिल है, इसकी प्रोग्रामिंग हमको करनी है। अगर आप 01 ग्रुप में से कोई एक यूज करते हैं कोड और 09 ग्रुप में से अगर कोई यूज करते हैं कोड, तो एक ही कोड एक्टिव रहेगा, चाहे आपका 01 ग्रुप का लगा रहा है या फिर आपका ये 09 ग्रुप का रहा है। ये दोनों ग्रुप के कोड, ये G73, G74, ये और G01, G00, G02, G03, इन दोनों को आप सेम ब्लॉक में यूज नहीं कर सकते, ये रूल नंबर 2 है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सिंपल सी चीज़ें आपको बहुत सारे लोग बताते हैं, पर ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से अलार्म आता है, ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, ताकि आप जो है प्रोग्राम के जब लेवल पे जाएं, लेवल 1 लेवल 2 क्रॉस करें, तो आपको ये चीज़ पता हो, क्योंकि जो आपका बेस है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 09 ग्रुप, 01 और 00 ग्रुप, इन तीनों ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मॉडल और नॉन मॉडल कोड का एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, तो आपको जो है और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये देखिए ये मॉडल कोड दिया हुआ है। ठीक है, मॉडल कोड में क्या लिखा है? द कोड रिमेन्स एक्टिव व्हेन प्रोग्राम ऑन एवरी लाइन ऑफ प्रोग्राम एंड डज नॉट रिक्वायर रिप्रोग्रामिंग और एनी फॉलोइंग ब्लॉक्स अंटिल इट इज रिप्लेस्ड बाई अनदर एक्शन कोड ऑफ द सेम ग्रुप नंबर। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई भी कोड मॉडल कोड का यूज किया और उसके अलावा कोई चीज नहीं लिखी, तो वो तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि आप जो है इसको रिप्लेस नहीं करते। फॉर एग्जांपल के लिए G01XYZ, तो यहां पर जो है पूरे में जो है G01 कोड एक्टिव रहेगा। ठीक है, पूरी लाइन में आपका एक्टिव रहेगा, ऐसी कितनी भी लाइनें आप नीचे लिख दें जहां पर G0 यूज ना करके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो आप लिखेंगे वो वहां एक्टिव रहेगा, लीनियर कोड। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब होता है G01 का, G02 का, वो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अब नॉन मॉडल कोड का एक एग्जांपल ले लेते हैं।
नॉन मॉडल कोड का एक एग्जाम्पल है ड्यूल, ड्यूल साइकिल है, जैसे कि G04 कोड है। G04 जो कोड होता है वो नॉन मॉडल कोड होता है। तो यहां पर लिखा हुआ G04 प्रोग्राम ड्यूल, ए प्रोग्राम ड्यूल टाइम कैन बी क्रिएटेड बाय एट एनी पॉइंट इन ए प्रोग्राम, दिस इज अ नॉन मॉडल कोड विच कैन ओनली बी प्रोग्राम्ड ऑन इट्स ओन लाइन ऑफ प्रोग्राम। मतलब जिस लाइन में आप इसको यूज करेंगे उसी लाइन में ये एक्टिव रहेगा। हालांकि मैं इसको अपने जो वीडियो है G04 यूज करने वाले उसमें आपको समझाऊंगा भी कि किस तरीके से ये आपका काम करेगा। फिलहाल जो है आप ये याद कर लीजिए कि ये जो प्रोग्राम है इनके ऊपर जो है साथ में दिया हुआ ये कोड है, इन कोड के जो ग्रुप हैं इनका क्या फंक्शन है और इसके रूल क्या है। रूल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जी कोड मार्क ऑन द नेक्स्ट पेज आर इनिशियल जी कोड व्हेन द पावर इज टर्न ऑन फॉर G20 एंड G21। इसमें क्या लिखा हुआ है, G20 और G21 जो कोड है मैं आपको दिखा देता हूँ। G20 और G21 कहाँ पर लिखा है ये देखिए, G20 और G21 ये ग्रुप 6 के हैं, ठीक है। ग्रुप 6 वाला जो कोड है इसका क्या फंक्शन है कि इसका फंक्शन ये है कि आप जो प्रोग्राम बनाएंगे वो किस डायमेंशंस में बनाएंगे, ठीक है। डायमेंशंस का मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू मेज़र कर रहे हैं वो इंच में मेज़र कर रहे हैं या एमएम में मेज़र कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को इंच में मेज़र कर रहे हैं तो मशीन भी आपकी इंच में मेज़र करे, उसके लिए आपको जो है उसका कोड लगाना होगा। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है G20 इंपीरियल डायमेंशंस, इसका मतलब है कि इंपीरियल डायमेंशंस का मतलब होता है वो डायमेंशंस जो स्टैंडर्ड यूज़ करता है, इसको SI बोलते हैं, SI यूनिट, ठीक है। तो SI यूनिट में जो है इंच यूज़ होता है। यहाँ पर G20 जो है वो इंच के डायमेंशंस को डिफाइन कर रहा है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। G21 जो होता है मीट्रिक डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि MM वाला जो कैलकुलेशन है, MM माइक्रोन जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमारा जो है G21 कोड से यूज़ होता है। तो अब ये कह रहा है, ये रूल क्या कह रहा है कि जो ग्रुप 6 है ये डिफॉल्ट सेटिंग है, जिस भी प्रोग्राम में आपने एक बार डाल दिया तो वो ये एक्टिव रहेगा, ठीक है। ये मॉडल कोड है, तो मॉडल कोड क्या होते हैं, एक बार आपने इसका यूज़ कर लिया तो ये आपका एक्टिव रहेगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मॉडल कोड हैं। 01 ग्रुप जो है आपका मॉडल कोड है, 17 ये आपका मॉडल कोड है, ठीक है। उसके बाद 02 जो है आपका मॉडल कोड है, 06 आपका मॉडल कोड है, ये आपका 00 जो है ये नॉन मॉडल कोड है, ठीक है। ये भी नॉन मॉडल है, ये भी नॉन मॉडल है, ठीक है। उसके बाद देखिए 07 ये भी मॉडल कोड है, 08 ये भी मॉडल कोड है, उसके बाद जो है आपका 08 ये भी आपका, ये आपका मॉडल कोड है, ठीक है। 11 ये भी आपका मॉडल कोड है, 22 भी मॉडल कोड है, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 ये आपका मॉडल कोड है, 15 भी आपका मॉडल कोड है, 12 आपका मॉडल कोड है, 16 आपका मॉडल कोड है, 09 आपका मॉडल कोड है, 03 आपका मॉडल कोड है, 05 आपका मॉडल कोड है और 10 ये आपका मॉडल कोड है। तो 00 जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, आप देखेंगे ना यहाँ पे कैलकुलेट करने बैठेंगे, ये आपका 00 है, ये आपका 00 है, ये आपका 00 है, ठीक है, ये आपका 00 है, ये 00 है, ठीक है, 00 ये रहा आपका और ये रहा 00। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो 00 ग्रुप है ये आपका नॉन मॉडल कोड है। अगर आपने नॉन मॉडल कोड यूज़ किया तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक में एक्टिव रहेगा। इसके अलावा जितने भी कोड हैं ये सब आपके आपका मॉडल कोड है, एक बार आपने यूज़ कर लिया तो वो तब तक एक्टिव रहेंगे जब तक कि उसी ग्रुप का किसी कोड से जो है इसको रिप्लेस ना किया जाए या फिर जो है आपको इसको कैंसिल ना किया जाए। अब कैंसिल करने वाले कोड कौन से हैं, ठीक है, रिप्लेस करने वाले कौन से कोड हैं, ये कैसे समझेंगे जब हम आपको एक एक कोड के बारे में आपको बताएंगे कि इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। ये हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप ये समझिए कि नॉन मॉडल कोड कौन से हैं, मॉडल कोड कौन से हैं, ठीक है, जी कोड कौन से हैं और एम कोड कौन से हैं। एम कोड की लिस्ट हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से एम कोड हैं। फिलहाल जो है हम सबसे पहले समझेंगे जी कोड और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।